इरफान हुसैन साहब ने जो सवाल किया है वो बड़ा क्रिटिकल सा है। कहते हैं इब्ने अरबी के बारे में बताएं। देखें, इब्ने अरबी नाम का एक बहुत मशहूर सूफ़ी गुजरा है, इब्ने अरबी, जिसको शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी कहा जाता है या शेख अकबर भी कहा जाता है। तो ये जो इब्ने अरबी साहब थे, इनके अकायद नहायत कुफ्रिया, इंतहाई घटिया तरीन अकायद थे इब्ने अरबी साहब के। बाज़ अहले इलम को शायद उनके अकायद पहुंच नहीं सके, बाज़ बुज़ुर्गों को, या शायद वो उन अकायद के हवाले से ये समझते थे कि शायद उनकी मुराद ये नहीं थी, तो उन्होंने कुछ ढीला मौक़िफ़ रख लिया, कुछ रियायत दे दी, कुछ गुंजाइश रख ली इब्ने अरबी के बारे में, तो इब्ने अरबी साहिब की तकफीर नहीं की। लेकिन जुम्हूर जो आइम्मा दीन हैं, जो बड़े बड़े जहाबेज़ा उलमा हैं उस दौर के भी, बाद वाले भी, वो इब्ने अरबी को काफिर, जिंदीक, मुलहिद कहते हैं। हवाले चंद एक मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हमें कोई इब्ने अरबी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। बाज़ लोग अभी गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे हमारी वीडियोज़ के कमेंट्स में कि देखो जी इब्ने अरबी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, वो तो जनाब इतने बड़े बुजुर्ग सूफ़ी और अल्लाह के वली थे, ये थे, वो थे। भाई देखें, हमें इब्ने अरबी साहब से क्या दुश्मनी है? ना हमारा को उनसे वास्ता है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी उनसे है। हम तो आइम्मा दीन के अकवाल देखते हैं रावियों के बारे में, हमें उस दौर के जो लोग हैं वही बताएंगे। इसी तरह ये जो बुज़ुर्ग हैं सूफिया वगैरह, तो इनके दौर के जो लोग हैं, जो इनके अकायद को जानते हैं, वही हमें बताएंगे और हम उनकी बात पर जो है उनकी गवाही को कबूल करेंगे, जिस तरह रावियों की जरा तदीर कबूल करते हैं। तो इब्ने अरबी के बारे में शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुस्सलाम, बहुत मशहूर व मारूफ आलम इस्लाम की शख्सियत हैं, तो वो फरमाते हैं इब्ने अरबी के बारे में कि ये बुरा शख्स और झूठा शख्स था और इंतहाई गलीज तरीन था। बुरा भी था, झूठा भी था और इंतहाई कभी बुरा शख्स था, और इसके गंदे गंदे नज़रियात थे। ये बात, अब हम नज़रियात में नहीं जाते, हम सिर्फ उलमा के अकवाल आपको सुनाते हैं, नज़रियात फिर सही, अभी टाइम हमारे पास कम है। इसी तरह अबू हय्यान उंदलसी, जो 745 हिजरी में फौत हुए हैं, मशहूर मुफसर हैं, अलबहरुल मुहीत उनकी किताब है तफसीर पे बड़ी मारूफ, उसमें वो लिखते हैं वमन ज़हब मिन मलाहिदातिहिम इलल कौल बिल इत्तिहाद वल वहदती कल हल्लाजी वशौज़ी वबनी अहला वबनी अरबी मुकीम कान दिमश्क। वो कहते हैं कि मुल्हिदीन में से जो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते थे, मुल्हिदीन में से, मुल्हिद कहा है अबू हय्यान उंदलसी रहिमहुल्लाह ताला ने इब्ने अरबी को, आगे इब्ने अरबी का नाम लिया उन्होंने कि ऐसे मुल्हिदीन जो हैं वो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं। इसी तरह इब्राहिम बिन उमर अल-बिकाई हैं, 885 हिजरी में फौत होने वाले एक आलिम, मसरा उत तसव्वुफ नामी उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है तकीउद्दीन अली बिन अब्दुल काफ़ी अस-सुबकी अश-शाफ़ी की तरफ से एक कौल। याद रखें कि ये तकीउद्दीन सुबकी खुद भी एक सूफ़ी थे और कई एक गुमराहियाँ इनमें भी पाई जाती थी। इसके बावजूद इब्ने अरबी के बारे में इस सूफ़ी के भी क्या तासुरात हैं वो भी आप ज़रा गौर से सुने। तकीउद्दीन सुबकी जो खुद सूफ़ी हैं और कई एक खुराफात उनमें मौजूद हैं, शिफा उससे काम उनकी किताब है और वो मारूफ है उलमा के पास, उलमा के हाँ के उसमें कितनी खुराफात हैं, उलमा ने रद्द भी लिखे हैं उनके, इब्न अब्दुल हादी ने भी रद्द लिखा है उनका। तो वो खुद सूफी होने के बावजूद, खुद कई गुमराहियों पर अमल करने के बावजूद, ये इतने बड़े इब्ने अरबी जिंदीक और मुलहद हैं, उनके बारे में वो कहते हैं वमन काना मिन हाउला सूफियतिल मुताखिरीन कब्न अरबी वगैरह फहुम दुल्लाल जुहाल खारिजून अन तरीकतिल इस्लामी फज़लन अनिल उलमा। कहते हैं ये जो मुताखिरीन सूफिया है ना इब्ने अरबी जैसे, ये गुमराह हैं और जाहिल हैं, परले दर्जे के, इस्लाम के राह से हटे हुए हैं। इस्लाम की राह पर ही नहीं है ये, तो चेजा कि ये उलमा की राह पर हों। तो ये एक सूफी शख्स का तबसरा है इब्ने अरबी पर, यानी इब्ने अरबी की सूफियत देखें कितनी गलीज होगी। हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ताला अपनी मशहूर ज़माना किताब लिसानुल मीज़ान में फरमाते हैं वक़द कुंतु सअलतु शेखन अल इमाम सिराजुद्दीन अल बिल्किनी, मैं अपने उस्ताद सिराजुद्दीन बिल्किनी से सवाल करता था, किसके बारे में? इब्ने अरबी के बारे में। याद रखें इब्नुल अरबी ये एक मारूफ इमाम है, अल मालिकी फकीह हैं, और इब्ने अरबी बगैर अलिफ लाम के, इब्ने अरबी, इब्नुल अरबी नहीं, इब्ने अरबी ये सूफी था। तो उसके बारे में फबादर अल जवाब अभी अन्ना हो काफिरुन,
मैंने अपने उस्ताद सिराजुद्दीन बिल्किनी से सवाल किया कि इब्ने अरबी के बारे में बताएं, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, एक लम्हा की हिचकिचाहट के बगैर फरमाया काफिर है, फरमाया कि ये काफिर है। इसी तरह अल बिदाया वन निहाया में हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, वलहुल किताबुल मुसम्मा बिफुसूसिल हिकम फीही अशियाउन कसीरतुन ज़ाहिरुहा कुफ्रुन सरीहुन। इब्ने अरबी की एक मशहूर किताब है फुसूसुल हिकम, हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं उसमें बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो बिल्कुल साफ तौर पर कुफ्र सरी हैं, जिनके कुफर होने में कोई शुबा नहीं है, कुफ्रिया बातें इब्ने अरबी की किताबों में मौजूद हैं, खुसूसन फुसूसुल हिकम में। और इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी हैं, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द किया है ऐसे सूफियों का, और वो कहते हैं फ़इन कुंता मुमिनन हक्कन मुस्लिमन सिदकन फला तशुक्का फ़ी कुफ्र जमात इब्ने अरबियन वला ततवक्का फ़ी जलालत हाज़ल कौम अलगवी। वो फरमाते हैं कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो कभी भी इब्ने अरबी के ग्रोह के कुफर में शक ना करें, और कभी इस जाहिल और गुमराह कौम की गुमराही में आप कभी शक में ना पड़ें, कभी तवक्कुफ़ ना करें, इनको बिला तवक्कुफ़ गुमराह और काफिर करार दें। इनको ना सलाम कहा जा सकता है इब्तदान, ना इनके सलाम का जवाब दिया जा सकता है, ये यहूद नसारा से बुरे हैं, इनका हुक्म मुर्तदों वाला हुक्म है कि जिस तरह मुर्तद हो जाते हैं तो वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। तो आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम इसी पर इक्तफा करते हैं, मज़ीद हम इस पटारी को नहीं खोलते। आप खुद उनकी किताब वहदतुल वजूद के रद्द पे जो उन्होंने लिखी है, अर्रद्द अलल काइलीन बिवहदतिल वजूद, मुल्ला अली कारी की ये किताब आप पढ़ सकते हैं। आगे हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ़ नहीं है, इतने बड़े इमाम हैं जलीलुल क़दर। वो फरमाते हैं सीयर व आलामिन नुबला अपनी किताब में कि वमिन अर्द इतवालीफ़ी ही किताबुल फ़ुसूसी फ़इन काना ला कुफ़्रा फ़ीही फ़मा फ़िद दुनिया कुफ़्रुन। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्ने अरबी की सबसे गंदी तरीन किताबों में से एक फुसूसुल हिकम है, यानी बुरी तरीन किताबें। वो कहते हैं कि अगर उस किताब में कुफर नहीं ना तो दुनिया में कुफर है ही नहीं कहीं। कितनी बड़ी बात हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। आज बाद लोग इब्ने अरबी का दिफा करने की कोशिश करते हैं और उसकी इबारतों को मुख्तलिफ अल्फाज पहना कर कहते हैं नहीं जी इब्ने अरबी की ये मुराद थी, इब्ने अरबी की वो मुराद थी। देखें आज हमें तो आप समझते हैं कि शायद हमें कोई दुश्मनी है इब्ने अरबी से, हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा नाकद रिजाल मुनसिफ मिजाज शख्स उसके बारे में आप क्या सोचेंगे। वो फरमाते हैं कि फुसूसुल हिकम में अगर कुफर नहीं है तो दुनिया में कहीं भी कुफर नहीं है। नसअलुल्लाह अल-अफ़ व नजा, वो कहते हैं हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी की दरगुजरी की इल्तिजा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम नजात मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी गुमराहियों से नजात में रखे, बचा कर रखे। तो ये कुछ हवाले हमने पेश किए हैं इब्ने अरबी की गुमराही के हवाले से, इब्ने अरबी के बेदीन होने के हवाले से, इब्ने अरबी के इल्हाद के हवाले से। तो इब्ने अरबी पर उलमा के जो अकवाल हम पेश कर चुके हैं, अब बाज़ उलमा जो मुताखरीन भी हैं और इस दौर में भी हैं वो थोड़ी ढीली पॉलिसी रखते हैं, वो समझते हैं कि शायद इब्ने अरबी से ये इबारतें साबित नहीं। बाज़ उलमा ये भी समझ लेते हैं कि शायद ये किताबें किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दी, और बाद ये समझते हैं कि नहीं इन इबारतों का शायद कोई और मतलब होगा, देखें फलां इबारत भी तो है फलां भी तो है तो शायद इसको जोड़कर कुछ और नतीजा निकाला जा सके। या फिर बाद ऐसे लोग हैं जो इब्ने अरबी की इन इबारतों से वाकिफ़ नहीं है, दूर दूर से उन्होंने नाम सुना हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन लोगों ने सुना है इब्ने अरबी के मौक़िफ़ को, जैसे कि हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और अबू हय्यान अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह और शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुस्सलाम रहमहुल्लाह ताला और दीगर, हत्ता के सूफिया में से भी तकीउद्दीन सुबकी जैसे सूफ़ी भी जो ख़ुद कई गुमराहियों में मुलव्वस हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो मुताखरीन इब्ने अरबी जैसे सूफ़ी हैं ये गुमराह हैं और इस्लाम के रास्ते पर ही नहीं हैं। तो लिहाजा इन गुमराहों से आप अपने आप को बचाएं। अगर आपने इल्मे दीन हासिल करना है, कुछ सीखना है, तो आप उलमाए हक से सीखें। इन गुमराहों से आपको गुमराही ही मिल सकती है, सूफिया के गुमराह कुन अकीदे आपको मिलेंगे, हत्ता के फिरौन जैसे लोगों की हिमायत के, फिरौन भी मोमिन था उसके दिल में ईमान था, इस तरह की बातें करना, ये सारा इन सूफिया का जो है ना वो काम है।
اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔